नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविघ्ना यूनिवर्सल रेमेडीज पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको मेरी दी हुई वीडियोस अच्छी लगें तो कृपया मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नए विषय के साथ। हमारा आज का नया विषय यह है कि क्या आपका धार्मिक या आस्तिक होना आपके वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अर्थात शाकाहारी या मांसाहारी होने पर डिपेंड करता है या नहीं। क्या अगर आप मांसाहारी हैं तो क्या आप उस स्पिरिचुअलिटी के लेवल तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इसके अनुसार कई तथ्य वर्णित हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोली पानी। अर्थात जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा हम पानी पीते हैं, वैसा हम बोलना शुरू कर देते हैं, वैसा हम कार्य करना, हमारी बुद्धि वैसी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों और पुराणों में यह वर्णित है कि अगर हम मांसाहारी हैं तो मांसाहारी भोजन गर्म होता है जो कि राजसी और तामसिक गुणों का प्रतीक है। वो हमारे राजसी और तामसिक गुणों को और प्रतिकूल कर देता है। इसके विपरीत यदि हम शाकाहारी हैं तो हमारे अंदर सात्विक गुणों का प्रवेश होता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु इस संदर्भ में भगवान शिव जी के महाशिव पुराण में और कई अन्य पुराणों में कई कथाएं वर्णित हैं जो यह बताती है कि भक्ति और आस्था के पीछे ना ही भगवान किसी की आस्तिकता ना ही किसी की नास्तिकता को देखते हैं। भगवान तो भक्ति के, अपने भक्तों के प्यार के, उनकी श्रद्धा के भूखे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको महाशिव पुराण के एक ऐसे कथा का के बारे में बताता हूँ। एक मांसाहारी था, एक शिकारी था जो कि मांसाहारी था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, शिकार करता और जो भी उसका शिकार मिलता उसको वह बाजार में जाके बेच देता था और जो कुछ बच जाता उसको वह अपनी और अपनी माँ के भरण पोषण के लिए अर्थात खाने के लिए यूज करता था। हुआ क्या, एक शिवरात्रि के कुछ दिनों पहले उसके घर में बिल्कुल अकाल पड़ गया। उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई शिकार मिल रहा था, जिसकी वजह से वह भूख से वह और उसकी माँ दोनों ही बड़े व्याकुल थे। तो वह घर से यह प्रण लेके निकला कि मैं अब शिकार करके ही लौटूंगा, अन्यथा मैं लौटूंगा। तो करते करते शिवरात्रि का दिन आ गया। शिवरात्रि की महिमा सभी व्रतों से महान कही गई है। वह सारा दिन से भूखा था इसलिए उसका शिवरात्रि का व्रत भी पूर्ण हो गया और रात की चार पहर की पूजा इस तरह से पूर्ण हुई कि जब भी वह एक बिलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। वह जब भी रात को किसी भी शिकार को पानी पीने आते हुए देखता तो अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाता। होता क्या, इससे कुछ बिल्व पत्र के पत्ते टूट के नीचे शिवलिंग पे गिर जाते और उसने थोड़ा सा एक कमंडल में जल ले रखा था, उसकी भी कुछ बूंदे जब वह हिलता जुलता उसकी भी कुछ बूंदे नीचे शिवलिंग पे आके गिर जाती। तो ऐसे करते करते उसकी चार पहर की पूजा संपूर्ण हुई थी और साक्षात भगवान शिव महादेव जो महायोगी है उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मांसाहारी, उस नास्तिक इंसान को जिसने कभी भी मन में भगवान का नाम नहीं लिया था उसको दर्शन दिए और वह भगवान शिव का अनन्य भक्त होके उनके श्री धाम को पहुंचा था। इसी प्रकार दोस्तों, एक और कथा कही गई है जिसमें एक शूद्र जाति का व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही नास्तिक और मांसाहारी था, वह ना ही किसी धर्म को, ना ही किसी पूजा पाठ को और ना ही इस तरह के किसी भी भगवान से जुड़ी स्पिरिचुअल चीज़ को मानता था। तो
हुआ क्या, एक विद्वान पंडित जब उसके घर में आए तो उसके बेटे का उन्होंने नाम पूछा। नाम उन्होंने ये बताया कि इसका नाम नारायण रखी है। नारायण नाम रखने से हुआ क्या कि अंत समय में जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो उस समय उसने अपने बेटे को याद किया और उसके मुंह से नारायण नाम निकल गया और मरते मरते वह अब जब यम दूत उसको लेने आए तो वह भगवान शिव जी के भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक को पहुंचा। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान का नाम चाहे जाने में चाहे अनजाने में लिया जाए, चाहे भगवान की भक्ति जाने अनजाने जैसे भी की जाए, वह उसका फल अवश्य देते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।